नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नीमच में एक आदिवासी युवक को एक वाहन में बांधकर घसीटा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने एक जांच कमेटी गठित की थी। अब इस जांच कमेटी ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात सामने रखी है। इस कमेटी के प्रमुख कांतिलाल भूरिया का कहना है कि सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है। पुलिस ने किसी और को पहले आरोपी बनाया था, लेकिन जब घटना का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकी है। नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई दरिंदगी की जांच के लिए गठित कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच समिति के सदस्य भोपाल पहुंचे और अपनी जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि हम लोगों ने मौके पर जाकर घटना की सत्यता जानी है। वहां के सरपंच ने पहले युवक को वाहन से टक्कर मारी, इसके बाद मारपीट की और उसके बाद मेटाडोर से बांधकर उसको सड़क पर घसीटा गया, जिससे घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्री भूरिया ने कहा कि वीडियो सामने आने के पहले पुलिस किसी और को ही मुजरिम समझ रही थी, लेकिन जब वीडियो सामने आया तब जाकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा कि आदिवासियों को सकलेचा द्वारा मामले को दबाने के लिए कहा जा रहा था। इसके पहले भी आदिवासियों के खिलाफ लगातार मध्य प्रदेश में कई घटनाएं सामने आई हैं। ज्ञात हो कि कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में बनी जांच समिति ने नीमच जाकर वहां पीड़ित के परिवार और चश्मदीदों से मुलाकात की। इसके साथ ही कमेटी के सदस्य उस जगह भी पहुंचे थे जहां आदिवासी युवक को बांधकर ट्रक से घसीटा गया था, जिससे युवक की मौत हो गई थी। आपको हमने बताया कन्हैयालाल आदिवासी हमारा था और वो अपने दोस्त शेन के साथ सुबह निकल के मेन रोड पे आए और मेन रोड पर ये सब महेंद्र गुजर ने सब मिले और उनके साथ मारापीटी की और इतना मारा को वो बेहोशी हो गया और फिर अस्पताल ले जाके उनको रख दिया। फिर वहाँ जाके तो मेरे चोरी करने गए थे, कई कहानियाँ बना के पुलिस वालों को दे के आ गए थे। फिर आखिरी में जब ये वीडियो वायरल हुआ, उस कन्या को हाथ पैर बांध के मेटाडोर पे खींचा, 150 मीटर तक उसको तेज गति धीरे गति से ले जाके आज टकरा ठुकर के उसके सिर में कोई गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। वो सारी स्थिति वहाँ पर हुई, तो वहाँ जाके हमने देखा है और वहाँ पर इस मामले को छिपाने के लिए बहुत कोशिश की। भाजपा ने पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया, 36 घंटे में रिपोर्ट दर्ज कर पाए, 36 घंटे में, जबकि मैंने सब पुलिस को मालूम था पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली और आखिर में ये सब दबाव बना, सब वीडियो तब जाके उन्होंने रिपोर्ट देते। इसे प्रशासन पुलिस प्रशासन दबाव में था, भाजपा वाले सब लगे हुए थे। ये स्थिति आज बनी हुई है मैं आदिवासियों के साथ, चाहे निमावर की बात हो, चाहे बुधनी में कल 2-3 पहले 3 लड़कियों के साथ रेप किया उनके जेतपुरा गांव में, तो ये मना आदिवासियों के आए दिन उनके साथ अत्याचार हो रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी मौन है और कहते कांग्रेस वाले कहने बनाते हैं। हम कहने कैसे, तुम ही तो, हमने ये कहा कि गरीब परिवार है, गरीब परिवार को 1 करोड़ की सहायता दे राज्य सरकार की तरफ से, 1 करोड़ की मांग हम कर रहे हैं और इसके हम प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को हम भी दे रहे हैं, उसमें भी मांग को हमका 1 करोड़ व्यवस्था का उनको नहीं, कांग्रेस वाले तो अपने हिसाब से जो भी होगा प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा, पर मध्य प्रदेश सरकार को कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया उस पीड़ित परिवार को तत्काल मुहैया कराए। सरकार इतनी मैंने गरीब हो गई है, आप अभी 2500 करोड़ अभी लिया, अब मध्य प्रदेश सरकार पर 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया है, कितना 2.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। अब ये चंदा के ऊपर ही मैंने सरकार चलाने की बात करें, अब गरीब लोगों से सरकार अब सरकार चंदा इकट्ठा कर रही है, गाय वो गाय के लिए पैसा मार रहे हैं, ऐसे तो गो माता करके अपन बहुत नारे लगाते हैं, तो आप गाय के लिए चंदा इकट्ठा करते फिर रहे, वो गाय को तो पल्ले पड़ने वाला नहीं, वो सब खा जाएंगे, ये खा जाएंगे, ये चंदा गो माता का नाम है और खुद का काम है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, समझा करो आप।